देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी है और एक तगाड़ी में हमने पानी लिया है। अब हम इस मिट्टी को तगाड़ी में डालेंगे। सो अब ध्यान से देखते रहिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। आप बिल्कुल जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, सेम वैसे ही क्ले आपको बनाकर दिखाऊंगी। सो ध्यान से देखिए इस तरह से हमको डालना है इसको, और हम सुबह तक इसके गलने का वेट करेंगे फ्रेंड्स मिट्टी का। और मिट्टी अभी से ही गलने लगी है, पास से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। डालते में ही ये गलने लगी एकदम से, ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही रेतीली मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा रेत है इसमें, इसीलिए ये गल रही है बहुत ही जल्दी जल्दी। सो बहुत ही जल्दी ये गल जाएगी, लेकिन हम सुबह तक इसका वेट करेंगे अच्छे से गलने का, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी है ना मिट्टी, इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। सो फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी गल चुकी थी पूरी, हमने इसको मिला लिया है बहुत ही अच्छे से। मिलाने के बाद हम इसको अब आटे की जो चलनी होती है उसकी हेल्प से हम इसको छान लेंगे। जो आपको ब्लू वाली तगाड़ी नज़र आ रही है उसमें हम छानेंगे, और जो बाल्टी है पिंक कलर की उसमें पानी भर के रखा है हमने, ताकि हमारी मिट्टी अधिक गाढ़ी रह जाए तो हम उसमें पानी मिलाकर बहुत ही ईजी तरीके से छान सकें। तो अभी तो हमारी मिट्टी परफेक्ट है, अभी हम इसको छान लेते हैं आटे की चलनी से। सो देखिए बहुत ही रेत है इसमें फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है आटे की जो छलनी है उसमें बहुत ही ज़्यादा रेत है इस मिट्टी में। पर हम इसको छानेंगे, सारी मिट्टी को छानना है हमको, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। सो फटाफट छान लेते हैं हम। छन चुकी है हमारी सारी मिट्टी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक साड़ी है मेरी मम्मी की, पुरानी सी पतली सी, तो इसी से हम इसको छानेंगे दोबारा से। आटे की चलनी से हमने छान के इसके मोटे कंकर हटा दिए हैं, अब इससे हम छानेंगे, इससे पतले जो कंकर उसमें रह गए हैं उसको निकालना है हमको। सो अब हम इसको बांध लेते हैं फ्रेंड्स बहुत ईजी तरीके से। सो ध्यान से देखिए किस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को बांधने का तरीका। सो ये टाइट हो गया है, अच्छे से बंध गया है। अब हम जो डब्बा है इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, नहीं निकल रहा है ये इजी तरीके से। अब अच्छे से इसको हम धुल लेते हैं डब्बे को। अच्छे से इसको धुलने के बाद हम छानेंगे मिट्टी को इससे। पानी डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि गाढ़ी मिट्टी अच्छे से नहीं छनेगी, ज़्यादा जल्दी टाइम लगेगा, तो पतली करके छानेंगे तो इजी तरीके से छन जाएगी ये। इसी तरह से आपको हाथ को करते हुए छानना है। सो देखिए फ्रेंड्स, बारीक वाली जो रेत है वो मेरे हाथ में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा है इसमें बारीक रेत। सो ये छन चुकी है, अब हम इसको खोल के देखते हैं किस तरह से ये बनी है। खोलने के बाद ये देखते हैं हम, बहुत ही परफेक्ट बनी है फ्रेंड्स ये छन के। अब हम इसको क्ले के लिए रेडी करने के लिए ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस बोरे को पहचानते ही होंगे, इसमें सब्ज़ी वगैरह और अनाज वगैरह भी आते हैं रखे हुए, बहुत ही इजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को ये कहीं भी। अब इस तरह से हमको इसके चारों ओर मिट्टी और एक साइड हम लकड़ी लगा रखेंगे, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट के लिए जो मैं रखती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ रखकर, कुछ भी रख सकते हैं आप, बस सपोर्ट होना चाहिए कि मिट्टी आइट साइड से चारों ओर से एकदम परफेक्ट रहे, हर जगह से कहीं भी गिरे ना। सो अब बारी आती है हमारी मिट्टी की। ये हमारी मिट्टी है जिसको हमने छाना है, इसको हम इस बोरे में डाल देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सो अब ये पूरी डल चुकी है, हमको इसको सुबह तक के लिए छोड़ना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम आकर देखते हैं इसको नेक्स्ट डे। अगले दिन इसको देखा मैंने, ये अभी भी गीला है। सो अभी भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं,
इसका एक दिन हमको और वेट करना होगा इसको सूखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये पूरी सूख चुकी है, पर इस पर मेरी बहन ने बहुत सारे इस पर पता नहीं क्या क्या बना कर रख दिया है, पर कोई बात नहीं, हम इसको रेडी कर लेते हैं। चारों ओर से हमको इसको इसी तरह से दबाना है फ्रेंड्स, सारे क्ले को एक साथ इकट्ठा करना है। सो ध्यान से देखिए किस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, चारों ओर से कर लेंगे हम इसी तरह से। सो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से मिट्टी निकल रही है। आपको भी इसी तरह से करना है फ्रेंड्स सेम। सो हमारी क्ले बहुत ही परफेक्टली निकल गई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिट्टी बहुत ही इजी तरीके से पूरी निकल चुकी है। अब हम इसको डो के लिए रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा पानी लगाकर इसको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा क्ले बन के रेडी हुआ है। सो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसको, पास से बहुत ही चिकना आपको फील होता होगा इसको देखने में, बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा डो मैंने बनाकर दिखाया आपको, क्योंकि पूरी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा थी, एक साथ नहीं बन सकता था मुझसे। सो देखिए कैसा बने। आई होप फ्रेंड्स आज की क्ले मेकिंग वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।